देखिए, भूपेश ही जेबी है, जुआ का भ्रष्टाचारी, और जेबी ही भूपेश है। देखिए, आज बात तो सामने आ गई। अभी तक तो हमको लगता था कि सत्ता में बैठे हुए लोग सट्टा बाजार से दूर रहते हैं। यहाँ पर तो सट्टा बाजार के सत्ता का संरक्षण देने का काम कांग्रेस सरकार ही कर रही है। इसीलिए शायद रायपुर की सड़कों पर कहा जाता है, 30% कक्का अपना काम पक्का। और देखे ना, गोबर में लूटा, गोठान में लूटा, फिर उसके बाद पीएससी में लूटा, शराबबंदी का बोला था शराब में भी लूटा, और अब जाकर जुए में भी कैसा लूटा है कि महादेव के नाम को भी नहीं बख्शा। अब मेरे तीन चार स्पेसिफिक सवाल है, और राधिका जी के भी सवालों का जवाब देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ सौरभ जी, ये स्टोरी सबसे पहले मीडिया के लोगों ने दिखाई है वीडियो की, और मेरे पास स्वयं एक मीडिया के व्यक्ति का व्हाट्सएप मैसेज है कि ये वीडियो हमारे पास आई है, हमारे सूत्र जो है ईडी के पास, क्योंकि ईडी के पास उस शुभम सोनी ने भेजी थी, हमने ईडी से निकाली है अपने सूत्रों से। अगर आप चाहे तो मैं उस मीडिया वाले का नाम डिस्क्लोज कर सकता हूँ, आप चाहते तो मैं कर दूंगा। दूसरी बात, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कहीं पर भी डिनाई नहीं किया है। आप देखिए कितना अद्भुत डिफेंस है इनका, ये डिनाई नहीं करते हैं, डिनाई करेंगे भी कैसे। अरे भाई, चंद्रभूषण वर्मा कौन है? ये एएसआई है, उसने ऑलरेडी प्रमाण दिया है कि 64 करोड़ रुपए उसको मालिकों से मिले हैं। आप पूछ लीजिएगा कि मालिक असली कौन है, शुभम है या उसके अलावा उप्पल है या वो चंद्राकर है, उसी से पूछ लेना। क्योंकि चंद्रभूषण वर्मा कौन है? इनके ओएसडी, भूपेश बाघेल के ओएसडी के स्वयं रिश्तेदार है। बताइए उसको मानेंगे नहीं मानेंगे? और उनको बताइए भीम यादव कौन है? वो भी एक छोटे से कर्मचारी है, पुलिस ऑफिसर है, परंतु वो विदेश बार बार जाते हैं। उनकी ईडी की रिमांड नोट पढ़ लीजिए, उसमें पूरा का पूरा लिंकेज पता चल रहा है कि कैसे टॉप से लेकर बॉटम तक नेक्सस चलाया गया। 508 करोड़ रुपए का महज असीम दास का स्टेटमेंट नहीं है, उसके अलावा डिजिटल एविडेंस भी है और पैसा रिकवर भी हुआ है, 450 करोड़ भी मिले। और अब मैं स्पेसिफिक सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। राधिका जी, जरा मुझे डेट बता दीजिए, जिस डेट पर आपने, क्योंकि इसमें कार्रवाई छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 2022 में की थी, मुझे एक बार डेट बता देना जिस डेट पर आपने आईटी मिनिस्ट्री को लिखकर इन वेबसाइट्स को, इस वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कहा है। इसीलिए नहीं कहा क्योंकि ताकि इनसे पैसे की उगाही कर सके, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये बार बार कह रही है ना कि हम लोग जो है ईडी की गलत कार्रवाई करते हैं, ईडी की गलत कार्रवाई करते हैं, ईडी इक्वल्स बीजेपी। चलिए, ईडी इक्वल्स बीजेपी, तो राधिका जी आप तो दिल्ली से भी संबंध रखती है, ईडी की कार्रवाई मनीष सिसोदिया के केस में सही या वहां पे ईडी इज नॉट इक्वल टू बीजेपी? और अजीब अजीब और गरीब बात बताऊं आपको, इनके जो साथी है आम आदमी पार्टी, ये कहते हैं भूपेश बाघेल ने शराब घोटाला किया है, ईडी मस्ट अरेस्ट हिम। बताइए, अपने ऊपर कार्रवाई हो तो गुनेगार, और दूसरों पर कार्रवाई हो तो ईडी चमत्कार। और आखिरी बात मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कहते ना कि ईडी की जो है विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है, ईडी की विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है, तो चलिए मुझे बता दीजिए कि जब पीएससी स्कैम में कोर्ट जो है 18 नियुक्तियों पर रोक लगाती है, क्योंकि उसमें जो आपके अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनके ही 5 रिश्तेदारों को नौकरी मिलती है, तो क्या कोर्ट हमारे साथ मिला हुआ है? मोहन मरकम, इनके पुराने अध्यक्ष, ठीक है, हटा दिया। एक बार जरा इसी महादेव बेटिंग ऐप पर जो कुछ बातें हो रही है उसी पर रुकते हुए, उन्होंने मोहन मरकम को अध्यक्षता से हटा दिया। शहजाद जी, शहजाद जी, देखिए देखिए, लोग चाहते